गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरव रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार एक नए वीडियोस में, जो कि हमारे एसएसटी क्लास 9 का ज्योग्राफी है। बच्चों, ज्योग्राफी जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं, भू का मतलब भूमि और गोल का मतलब गोल, यानी कि भूमि गोल है और इसी भूमि गोल को भूगोल कहते हैं और हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क्लाइमेट जिसको मानसून भी कहते हैं, या इस चैप्टर में जो हम बातें करते हैं वो हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा भारत बहुत हद तक मानसून पे डिपेंड करता है। हमारे भारत का एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है। हमारे भारत में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम इस बात पे बात करेंगे कि जो कंडीशन है इंडिया के आसपास, जो हमारे इंडिया के सराउंडिंग का जो कंडीशन है वो कैसा है, कितना है, क्या है, और इसी को समझने के लिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपसे बात की हुई है कि मानसून क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। इससे पहले मैंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड में कितने तरह के क्लाइमेट्स हैं। अब जो हम बात यहाँ करने जा रहे हैं उसमें कंडीशंस की बात करेंगे कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो किसी कंट्री के क्लाइमेट को चेंज करते हैं, या उस वो डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड। हमारे आसपास या हमारे कंट्री में प्रेशर, विंड का जो प्रेशर वो क्या है, कितना है। दूसरा, हमारे आसपास का जो एरिया है वहां पर जो हवाएं हैं, जो जमीनी हवाएं हैं, ये हवाएं किस डायरेक्शन में बहती हैं, कितनी तेजी से बहती हैं, ये भी तय करेगा। इसके आगे हिमालय, बहुत हद तक हिमालय जिस भी कंट्री में हो, चाहे वो किसी नाम का हो, माउंटेन्स का हो ना, वहां बरसात को आने का या पानी के रुकने का या बारिश के बहुत होने का कारण बनती है। बहुत हद तक ठंडी हवाएं जो आती हैं उनको रोकने का काम करती हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है अपर एयर सर्कुलेशन, जिसमें हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं कि हमारे भारत में जेट स्ट्रीम चलते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो एक खास हाइट पे 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे ब्लो करती हैं। इनका विंड का जो फ्लो है वो लगभग 180 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर के बीच का होता है। तो हम इनकी बात करेंगे, और यही रीजन है कि हमारे इंडिया में बरसात होती है, मानसून आता है। बच्चों, इंडिया में जो मानसून आता है वो लगभग हमारे साउथ साइड से आता है, हिंद महासागर जो कि इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के रीजन से हमारे यहाँ मानसूनी हवाएं इंटर करती हैं और वो पूरे भारत में बारिश करती है। एक जुलाई से लेकर लगभग सितंबर तक के महीने और कुछ अक्टूबर तक के महीने तक हमारे भारत में बरसात होती है। इसके बाद हमारा मानसून खत्म होने लगता है। बाद में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है, ये हम सब जानते हैं। अब जो हम यहाँ करेंगे, हम जो पढ़ेंगे उसमें ये लाइन कहा गया है कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, विच विंड्स ब्लो टू द साउथ गेट डिफ्लेक्टेड राइट ड्यू टू द कोरिओलिस फोर्स टुवर्ड्स द इक्वेटर लो प्रेशर एरिया। अब देखिए, प्रेशर का अजीब खेल है, जहां प्रेशर अधिक होगा वहां बरसात नहीं होगी, जहां प्रेशर कम होगा वहां बरसात होगी। अब जहां प्रेशर कम होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम होगा। तो ये टेम्परेचर प्रेशर का जो इन्वर्सली रिलेशन है इसको पहले आपको समझना होगा। अब हम राजस्थान की बात करते हैं, वहां टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए प्रेशर नहीं है। हम बात करते हैं और एरियाज की, हम मानसीरामा की बात करते हैं, वहां प्रेशर अधिक है, टेम्परेचर बिल्कुल कम है, तो वहां अधिक बरसात होती है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन को आपको बहुत अच्छे समझना होगा। आप बुक की मदद लीजिए, नहीं तो मैं आपको बोर्ड की मदद समझाऊंगा, हालांकि बोर्ड बहुत छोटा पड़ता है। अब जब हम टेम्परेचर प्रेशर से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक वर्ड आया है, कोरिओलिस फोर्स। ये कोरिओलिस फोर्स क्या होता है? तो ये जो कोरिओलिस फोर्स है, ये एक फोर्स है जो कि अपने आप हवा के डायरेक्शन को मोड़ देता है, पृथ्वी के घूमने से, अर्थ के सर्कुलेट करने से हवाओं का राइट में डिफ्लेक्ट हो जाना, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाना, ये अपने आप हो जाना, इसी को कोरिओलिस फोर्स कहते हैं। यानी पृथ्वी के घूमने के चलते हवाओं पे एक खास फोर्स लगता है, जिसके चलते उसकी दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाता है, इसी को कोरिओलिस फोर्स कहते हैं।
और ये फोर्स जो है जैसे ही हवा इंटर करती है उनको दाहिने मोड़ता है, जैसे ही वो साउथ से नॉर्थ हेमिस्फेयर में इंटर करती है उनको राइट डायरेक्शन में, राइट टुवर्ड्स राइट मोड़ती है, जिसके कारण वो इंडिया की तरफ घूम जाती है और हमारे सऊदी अरब सागर की तरफ से इंडिया में इन करते हुए पूरे भारत में वर्षा कराती है। अब दूसरी बात माउंटेन्स, जब हवाएं बहुत दूर तक जाती हैं तो माउंटेन्स उनको रोकता है और उसके रोकने से हवाएं वापस आती हैं और उनके बीच में कोलिजन होता है, लड़ाइयां होती है, एक टकराव होता है जिसके कारण बारिश होती है। आपने वेस्टर्न घाट की बात पढ़ी है, वहां बहुत बारिश होती है, उसके पीछे यही रीजन है कि वहां बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं। हमने पढ़ा है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां बिल्कुल पहाड़ नहीं है, और बिल्कुल पहाड़ नहीं है तो वहां बिल्कुल बारिश नहीं होती है। मानसून आते हैं मानसून चले जाते हैं, लेकिन चूंकि वह कहां कहीं भी कोलाइड नहीं कर पाते जिसके चलते बरसात नहीं होती। तो हमें जो है माउंटेन्स के रोल को भूलना नहीं होगा। हमारे इंडिया में माउंटेन्स जो हिमालय है वो बहुत हद तक इंडिया के प्लेन एरिया में बरसात, जैसे कि जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में बारिश के लिए जिम्मेवार है। माउंटेन से जब हवाएं टकराती हैं तो वो टकराई हुई हवा वापस आती है और अपने साथ भारी वर्षा लाती है, जिसके चलते एग्रीकल्चर ईजी हो जाता है। बहुत बार बहुत सारे स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए जब मानसून की हवाएं नहीं आती, मानसून का पानी नहीं आता, तो वहां पे हम इरिगेशन के लिए कैनाल की फैसिलिटी का यूज करते हैं, ट्यूबवेल की फैसिलिटी यूज करते हैं, जो कि खर्चीला है। क्लाउड के आ जाने से मौसम में जो बारिश उसके आ जाने से मौसम बहुत ज्यादा ही नेचुरल हो जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। हालांकि ये चीजें आपके ट्यूबवेल के पानी से या और किसी चीज के नहर के पानी से नहीं होती। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है अपर एयर सर्कुलेशन, जिसको हम जेट स्ट्रीम भी जानते हैं बच्चों। ये तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले प्रेशर की बात की थी वो हमारे धरती पे था, हमारे आसपास था, हमारे अर्थ पे था, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं जो हमारा अपर एयर सर्कुलेशन है वो लगभग जो है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। और ये जो है इस पे हवाओं का वेग बहुत अधिक होता है और ये हवाएं माउंटेन्स को क्रॉस करके तिब्बतन प्लेट्यू तक जाती हैं और फिर वहां से साउथ अफ्रीका तक पहुंचती हैं। और इनके सर्कुलेशन के चलते बहुत बार जो है प्रेशर बनता है, बहुत बार जो है साइक्लोन्स आते हैं, तो ये भी बहुत हद तक हमारे आसपास के क्लाइमेट पे फर्क डालते हैं। अब इस चैप्टर को थोड़ा आराम से पढ़ने की जरूरत है बच्चों, कैसे कौन फर्क डालता है, कितना डालता है, तो आप जो है इस चीज की पढ़ाई खुद से करें। अगले वीडियोस में हम इसको आगे की बात करेंगे। थैंक यू।